ओए, तुम लोग होमवर्क करके लेके आए हो? मैं तो पूरा होमवर्क करके आई हूँ। तेरा भाई? भाई मैं तो कोई होमवर्क करके नहीं लाया, मैं तो क्लास के बाहर खड़ा हो जाऊंगा आराम से। और विनय तू? सेम टू सेम भाई। अबे यार क्या है तुम दोनों का, हर रोज क्लास के बाहर रहते हो तुम, कभी होमवर्क भी कर लिया करो। वो सब छोड़ो, शीला ये बता टिफिन में क्या लेके आई है? मैं आलू का पराठा और मूली का पराठा, मेरी मम्मी ने दे दिया था। आलू और मूली का पराठा? तो भाई क्लास में क्यों बैठी है, क्लास के बाहर बैठना पूरा दिन पाद मारेगी। गुड मॉर्निंग सर। शर्म तो है नहीं, खड़े होकर नहीं बोल सकते? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। हाँ तो बच्चों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? भाई क्या हो सकती है? लगता है सर नाच गेम खिलाएंगे, पढ़ाएंगे कुछ भी नहीं। मुझे तो लगता है सर को बेटा हुआ है। हाँ कल सुबह इतनी लेके आए होंगे। पर भाई सर को लड़का कैसे हो सकता है, वो तो उनकी बीवी को होगा ना। अरे चुप चुप, देखो खिड़की खिड़की। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे फाइनल एग्जाम की है ना डेट शीट आ गई है। वो फाइनल एग्जाम? अरे सर इतनी जल्दी फाइनल एग्जाम कैसे आ गए, अभी तो सेशन शुरू हुआ था। टीचर तू है या मैं? टीचर तो आप ही हो सर। सर ये तो अनफेयर है ना। चुप हो के बैठ जा। और हाँ ये ले डेट शीट। सारे बच्चे ना डेट शीट को नोट डाउन कर लो, चेक करूंगा मैं एक एक बच्चे की। और हाँ एक बात और, आज हाफ डे में तुम्हारी छुट्टी है, जाओ घर जाके पेपरों की तैयारी करो। मैं चलता हूँ, तब तक नोट डाउन कर लो। वाह सर वाह, हाफ डे में छुट्टी देके मौत का सामान हाथ में पकड़ा दिया। भाई लोग डेट तो देखो एग्जाम्स की। अबे ये देख, मैथ के और इंग्लिश के पेपर में सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है। अबे वो सब तो ठीक है, मैथ और इंग्लिश में कम से कम 2 दिन की छुट्टी है, थोड़ा बहुत रिवीजन तो हो सकता है। इधर देख हिंदी और जीके में एक भी छुट्टी नहीं है। हाँ तो अच्छा है ना भाई, एक ही दिन ही पढ़ जाने चाहिए सारे एग्जाम। अबे पागल वागल है क्या, तू पढ़ेगा कब? पढ़ना क्यों है भाई, एक काम करो जल्दी से नोट डाउन कर लो, घर जाके तैयारी भी तो करनी है पेपरों की। कर ले भाई, फिर मेरे को मत बोलियो दिखाया नहीं। यार तो इन सबको छोड़, मेरी तो ना तैयारी नहीं हुई, मैंने तो हर सब्जेक्ट का बस एक एक दो दो चैप्टर याद किया अभी तक। मैंने ना 4-5 चैप्टरों की रिवीजन तो कर रखी है, बस 3-4 हो जाए फिर तो मैं पास ही हो जाऊंगी। 5-6 हो गए? शीला तू तो बड़ी फास्ट है, मेरे को भी ना घर जाते ही किताबों पे गिरना पड़ेगा भाई, अगर पास होना तो मैं सारी चीजें रट दूंगा भाई। ए फर्स्ट बेंचर्स, हम बैक बेंचर्स के बारे में भी सोच लो भाई, पूरा साल बीत गया अब तक मैंने बुक्स भी नहीं खरीदी है, बस एक रजिस्टर बनाया वो भी आधा अधूरा इनकम्प्लीट। तो भाई ये रजिस्टर भी क्यों लगाया है? भाई तेरी होगी तैयारी? भाई वैसे कौन सी क्लास में हम? अबे तू जाने दे, एक काम कर इसको जल्दी से नोट कर ले भाई, फिर घर जाके पढ़ना भी है। मेरी भी कर लियो भाई। चलो भाई चलते। यार सर ने फाइनल एग्जाम का शेड्यूल तो दे दिया, लेकिन तैयारी तो फाइनल एग्जाम की बिल्कुल भी नहीं है हमारी। हाँ भाई तैयारी तो मेरी भी नहीं है। यार तेरी क्या तैयारी, हमारी भी नहीं है। हाँ भाई सही कह रहे हो, हम करें क्या, फाइनल एग्जाम सर पे है। भाई मैं तो सोच रहा हूँ पेपर स्किप करके कहीं भाग जाता हूँ दूर। हाँ एग्जाम स्किप कर देगा बेटा, घर वाले हमें स्किप कर देंगे, घर से निकाल देंगे लात मार के। तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें लात मार के घर से निकालेंगे, मेरे घर वाले तो मेरी शादी करा देंगे। भाई ऐसे तो फेल हो जाएंगे, कुछ सोच। सही कह रहा है भाई, अगर फाइनल एग्जाम में फेल हो गए ना तो फिर से उसी क्लास में बैठना पड़ेगा, और जो हमसे पीछे वाले बच्चे हैं वो हमारा मजाक उड़ाएंगे। यार तू सोच ना। नॉक 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 नॉक। हाँ आइडिया,
भाई अगर हम लोग है ना अकेले अकेले पढ़ेंगे तो खास पढ़ नहीं पाएंगे, तैयारी अच्छे से नहीं होगी। एक काम करते हैं, हमारा ग्रुप स्टडी करते हैं, पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और तैयारी भी बढ़िया हो जाएगी पेपरों की। हाँ भाई ये सही प्लान है। भाई चल ठीक है, तेरे को घर पे शाम को मिलते हैं। हाँ तीनों है ना कॉपी पेन और बुक लेके शाम को मेरे घर पहुंच जाना। ठीक है भाई। ठीक है फिर शाम को मिलते हैं। ओके ब्रो। यार पता नहीं कहाँ रह गए, बोल रहे थे शाम को आ जाएंगे ग्रुप स्टडी के लिए, अब तक नहीं आए। कोई ना, जब तक आते तब तक मैं पढ़ लेता हूँ, एक दो चैप्टर अलग ही पढ़ूंगा उनसे। अरे वाह आ गए तुम। हाँ। चलो भाई अच्छा है, मैं तो कब का वेट कर रहा था तुम्हारा। चलो भाई अब है ना ग्रुप स्टडी शुरू करते हैं, अगर ग्रुप में पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर भी आएंगे ना हमारे। चलो भाई शुरू करते हैं फिर। भाई आपस में क्वेश्चन पूछ लेना जो जिसको ना आए। सही कह रहा है भाई, एक भी चैप्टर और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए भाई, हम चारों को ना टॉप करना है टॉप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगा लेती हूँ, उनको नहीं दिखाऊंगी और इनसे ज़्यादा नंबर लेकर आऊँगी। पास तो मेरे को ही होना है ना। ये भी आएगा। ये क्या कर रही है, निशान पे निशान लगाई जा रही है, कहीं मेरे से दो दो नंबर तो ना मिल जाए। पूछता हूँ इससे, सिला क्या कर रही है? कुछ नहीं। बताना क्या कर रही है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे निशान लगाती हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? मेरे को बता दे मैं ही पढ़ लूँगा। क्यों बता दूँ, तुमने तो ग्रुप स्टडी के लिए बुलाया था ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बस मेरे को बताए, मैं किसी को क्यों बताऊँ? क्योंकि मेरे को तुम तीनों से ज़्यादा नंबर लेकर आने, पास तो मैं ही हूँगी। सेल्फिश औरत, पढ़ ले। आई बड़ी फैल होगी, मैं तो भगवान से यही दवा करूँगा। रौनक भाई ये तो नहीं बता रही, कितना हो गया तेरा? भाई बस कुछ ज़्यादा नहीं यार, दो ही चैप्टर हुए अब तक। दो चैप्टर? भाई दो चैप्टर कंप्लीट भी कर दिए? हाँ भाई दो चैप्टर कंप्लीट हो गए। यार कमाल की स्पीड है तेरी, अभी तो हमको 5-7 मिनट हुई है बस, तेरे तो दो चैप्टर हो गए, ऐसे कैसे भाई? भाई ऊपर ऊपर से पढ़ता हूँ ना मैं, अरे मेरे को पास पास होना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेता मैं। अभी तीसरा शुरू करा, तीसरे के आधे में पहुँच गया। तेरा सही है भाई। ओए विनय तू ये क्या कर रहा है, ये किताब को क्यों फाड़ रहा है? फाड़ नहीं रहा भाई, फर्रे बना रहा हूँ। फर्रे? अरे भाई ये क्या कर रहा है, ये फर्रे थोड़े ना चलेंगे एग्जाम में, अगर सर ने पकड़ लिया तो सीधा UMC बना देंगे, फैल भाई। अरे वो मैं अपने आप चला लूंगा। तेरे को क्या लगता है ये जो फर्रे तो फाड़ रहा है इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे? ओ पागल औरत, जो तू इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे टिक लगा रही है, तेरे को क्या पता वही आएंगे? हाँ भाई देख पॉइंट है भाई, वैलिड पॉइंट, अच्छा टैकल किया अभी ने। क्यों भाई? सुन थोड़ी सी भूख लग रही है, कुछ है खाने को? हाँ यार मेरे को भी बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ भाई फर्रे फाड़ते फाड़ते मेरे पेट में भी गुरुड़ गुरुड़ हो रही है। ओ भाई स्टडी करने आए हो, यहाँ पे भंडारा नहीं लगा हुआ ठीक है, घर से नहीं खा के आए तुम? अच्छा ये बता आधे घंटे से हम पढ़ रहे हैं, हमें भूख नहीं लगेगी? भाई तुम गरीब हो क्या? ओ भाई गरीब मत बोल दियो, और ये औकात पे बात मत लेके आइयो। भाई देखो ऐसी बातें मत करो, अभी लेके आता हूँ, चाहे मेरे को कहीं से भी ढूंढ के लेके आना पड़े, जस्ट वेट एंड वॉच। उधर को क्या लगता है क्या लेकर आएगा? मेरे को क्या पता, देख लियो ना जब आएगा, पढ़ ले अपना। भाई ये चिप्स का पैकेट मिला है, ये रख लेते हैं थोड़ी देर में खाएंगे ठीक है? अबे यार बुखड़ गए के पूरा चिप्स निकल गए, मेरे घर पे आके मेरी बैंड बजा रहे हैं, मेरे को ऑर्डर दे रहे हैं, मेरे को काम बता रहे हैं और खुद स्टडी कर रहे हैं। ऐसे तो मैं कुछ पढ़ नहीं पाऊंगा और ये तीनों टॉप कर जाएंगे यार, इनको तो रोकना पड़ेगा। हाँ
इन तीनों का ना घर भेज देता हूँ, अगर घर गए तो पढ़ेंगे नहीं, तीनों अलग अलग हो जाएंगे और मैं घर पे रह कर पढ़ाई करूँगा और तीन से ज़्यादा नंबर आ जाएंगे मेरे। हाँ मस्त आइडिया है भाई, बहुत हो गई पढ़ाई, अब एक काम करो अपने अपने घर जाओ रेस्ट करो भाई। अरे भाई अभी चार पांच फर्रे बने बस। अरे भाई इतना लोड क्यों देना, इतना छोटा सा तो दिमाग है, अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो डिप्रेशन में आ जाएगा भाई, इतनी पढ़ाई बहुत है हमारे लिए, रेस्ट करो। और पास तो हम हो ही जाएंगे, इंटेलिजेंट है तेरे फर्रे तो हैं भाई, हमने तो फर्रे भी नहीं बनाए, समझ रहा है ना, जाओ जाओ घर जाओ। सही कह रहा है, चलो भाई चलो 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 ठीक है भाई, जाओ 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 चलो भाई। चले गए भुखड़ कहीं के, मेरी चिप्स निकाली गंदी। सही है तीनों को घर भेज दिया, पढ़ नहीं पाएंगे अब, अकेला मैं पढ़ूंगा और फिर टॉप करूंगा पूरे स्कूल में। तेरा सही है भाई, ना एग्जाम और ना एग्जाम की टेंशन, जल्दी से पढ़ना शुरू कर देता हूँ। हेलो विनय। हेलो भाई, क्या कर रहा था? कुछ नहीं भाई, सो रहा था मैं तो। अच्छा सो रहा था क्या, ठीक है भाई, मेरे को भी नींद आ गया यार, मैं भी सोने जा रहा हूँ, ठीक है गुड नाइट भाई। हाँ गुड नाइट भाई, गुड नाइट। ये तो सो रहा है आराम से, अच्छा है पड़ेगा नहीं। सीधा सोर पूछता हूँ, हेलो शीला। हाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, मेरी मम्मी ने ना मेरे को बर्तन मांजने के लिए बोल दिया, जब से घर पे आई बर्तन ही मांज रही हूँ। तू तो पढ़ रहा होगा ना? अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं तो बस सोने की तैयारी में हूँ यार, नींद आ रही है। और पढ़ाई कहाँ, बस पढ़ लिए यार, ग्रुप स्टडी कर ली, इससे ज्यादा क्या पढ़ेंगे है ना। ठीक है शीला, गुड नाइट बाय, टेक केयर, टेल गुड नाइट। इसकी मम्मी भी सही है, झूठे बर्तन मंजवाएगी इससे, ये पढ़ी नहीं पाएगी। ये भी फेल हो जाएगी। रौनक, रौनक रह गया, वो तो पक्का पढ़ता हुआ मिलेगा मेरे को, अभी चेक करता हूँ। इसका फोन क्यों आ रहा है? मुझे लग रहा है खबर ले रहा होगा अभी हमारी, इसलिए फोन कर रहा है, उठा लेता हूँ। हेलो भाई रौनक। हेलो, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, मैं तो पबजी खेल रहा हूँ, आ जाना तू भी ऑनलाइन। पबजी भाई यार, नेट नहीं चल रहा मेरा, वरना मैं तेरे साथ ही खेलता, दोनों भाई है ना स्क्वाड बनाते और धीरे धड़ाम गोलियां मारते भाई। भाई मैं तो सो रहा हूँ यार, मेरे को तो नींद आ रही है। चल ठीक है भाई सो जा, मुझे तो वैसे भी पूरी रात ना पबजी खेलना है, टूर्नामेंट चल रहे हैं यार। तू भी जल्दी सो जाइयो, पेपर सर पे है, समझ गया ना? ठीक है भाई। हो इंग्लिश में था फेल जरा सा, तब से हूँ पापा से डरा सा, बड़ी बड़ी चप्पल उस पे लेदर, बड़ी बड़ी चप्पल उस पे लेदर। अबे यार ये सब तरीके तो फेल हो गए, सारी किताबें याद करना एक साथ मुश्किल होगा, कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। हाँ आइडिया, आ,
पूरी किताब का जमाल घोटा बना के सारा पानी निकल गया। अब देखता हूँ मेरे नंबर कम कैसे आते हैं। पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं जिंदगी में होए, ताकि जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। भगवान मेरे को पास करवा दो भगवान, जो भी पढ़ा था ना सब भूल गया भगवान, पता नहीं सोया था और सारा डाटा डिलीट हुआ मिला मेरे को, कुछ भी याद नहीं है भगवान। अगर मैं बहल हो गया ना तो घर वाले मेरे को घर से निकाल देगा भगवान, प्लीज मेरे को पास करवा दो भगवान। भगवान अगर आप मेरे को पास करवा देते हो ना तो मैं ना आपको लड्डू का भोग लगाऊंगा, नंगे पैर आपके दरबार आऊंगा। भगवान ये मेरा ना पेपर बोर्ड और ये मेरा पेन, इस पे ना अपना आशीर्वाद दो भगवान, इसमें इतनी ताकत भर दो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठूं तो मेरे सबसे ज़्यादा नंबर आ जाए और मैं टॉप कर जाऊं। टॉप रहने देना, अच्छे नंबर आ जाए, यही कोई 80%। भगवान प्लीज़ पास करवा दो भगवान। भाई पढ़ के आए हो? हाँ। रौनक भाई कैसी है तेरी तैयारी? भाई एवरेज एवरेज से तैयारी है, हो जाऊंगा शायद पास। शीला तू बता ना। ठीक ठाक ही है यार, बस पास हो जाऊं इतना ही पढ़कर आई हूं मैं। विनय भाई कैसी तैयारी है? हो तेरा सही है भाई, पर्चियां पर भाई ये चलेंगी पेपर में? चल जाएंगी। सर ने देख लिया ना तो फेल ही होगा, इसी क्लास में दोबारा पढ़ेगा। सही है भाई तेरा सही है। रौनक यार तू एग्जाम बोर्ड नहीं लेके आया? क्या बोला तूने? एग्जाम बोर्ड? भाई मेरे पापा ने ना पिछले 5 साल से मुझे स्कूल की शर्ट तक नहीं दिलाई, 5 साल से पहन रहा हूँ इस शर्ट को और तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे पापा एग्जाम बोर्ड दिलाएंगे? अबे चल भाई, स्कूल के बेंच देख कितने प्लेन है, मैं तो अपना इन्हीं पर रख के कर लेता हूँ। विनय भाई तू भी नहीं लेके आया? भाई सेम टू सेम यार, हर चीज में सेम टू सेम, कच्चे भी सेम पहनते हो क्या? देखिएगा। बाकी बता तेरी तैयारी कैसी है? मेरी तैयारी तो भाई नॉर्मल ही है, बस तुम्हारे साथ ग्रुप स्टडी की थी, उसके बाद तो भाई नींद आने लग गई, मैं तो जल्दी सो गया था। सर के साथ? हाँ तो बच्चों पेपर की तैयारी करके आए हो ना? यस सर। सही है बेटा रौनक, ये ले पेपर और शीट बांट दे सब में। हाँ चल बेटा, ये लो भाई क्वेश्चन पेपर, ये ले भाई तेरा, ये ले तेरा, ये ले तेरा और ये मेरा। भाई आंसर शीट तो देना। हाँ दे रहा हूँ, ये मेरी और ये एक्स्ट्रा शीट, अगर चाहिए ना तो यहाँ से ले लियो। सभी अपना अपना पेपर करेंगे, समझ गए? यस सर। यस सर। हे भगवान बचा लेना, आपके ही भरोसे हूँ, वरना मेरे को तो कुछ नहीं आता। याद है ना आपको लड्डू भोग चढ़ाऊंगा आपको। सुनिए सर, दिखा 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 दिखा, चुपचाप इधर 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 आ, क्या है? दिखा दिखा दिखा। भाई ये तो गया आज, ये तो फेल है आज। अबे पर्चिया सर नहीं आती तेरे को? कौन से क्वेश्चन के लिए गया है? बेटा ये क्वेश्चन तो दिया ही नहीं मैंने। ये ले भाई, ये पागल है क्या? मेरे को लगता है किसी दूसरे सब्जेक्ट की पर्ची बना के ले आया। ये तो गया भाई, कर ले जा कर ले, छूट है तेरी, मेरे को पता है जितना होशियार है तू। कर ले सिटिंग सर। हाँ जा बेटे, क्या ही कर लेगा तू, ये तो फेल ही होगा।
आ तो बच्चों, आधा घंटा रह गया तुम्हारे पेपर का। सीबीएसई के जो नतीजे आए हैं और जो बच्चे छाए हैं, मुबारकबाद भाई, उन्हें तो दुनिया सलाम कर रही है। लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स का क्या, यानी वो जो कम मार्क्स लाते हैं या कभी कभी फेल हो जाते हैं, टेंशन ना करो बाबा। ठीक है तो बच्चों, फिर रिजल्ट वाले दिन मिलेंगे रिजल्ट के साथ। और हाँ, हो सके तो अपने अपने पेरेंट्स को साथ लेके आना। ठीक है सर। भाई कैसा हुआ तुम्हारा पेपर? मेरा तो ठीक ठाक ही हुआ, बस ये पास हो जाऊँ। भाई मुझे तो लग रहा है मैं फेल होऊंगा यार, बाकी कैलकुलेशन करेंगे तब देखते हैं। भाई मेरे को लगता है मैं भी फेल होऊंगा। नहीं भाई, पास तो ही जाऊंगा। विनय कैसा रहा पेपर? भाई सेम टू सेम। चलो घर चलते हैं। भाई फाइनल एग्जाम तो जैसे तैसे करके हो गए। अब यार टेंशन तो रिजल्ट की है, पता नहीं किसके कितने परसेंट आएंगे, कौन पास होगा कौन फेल होगा। एक काम करते हैं ना भाई, अपने अपने नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं और अंदाजे से पता लगाते हैं ना किसके कितने परसेंट बन रहे हैं। हाँ भाई सही कह रहा है, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो भाई अपने अपने कैलकुलेट करो। भाई मेरे तो यार 80 के अराउंड, हाँ 80 के अराउंड बन रहे हैं, 80% समथिंग। शीला तेरे कितने बन रहे हैं? मेरे 90% बन रहे हैं। 90%? और भाई रौनक तेरे? यही कुछ 70%। 70% सही है भाई। भाई विनय तेरे कितने बन रहे हैं? भाई 150। 150? अबे 150 कैसे बन सकते हैं? भाई मैं एक सवाल दो बार करके आया था। भाई भाई तू रहने दे, तू रहने दे भाई, हमारा दिमाग भी खराब करेगा तू। तू फेल होगा भाई फेल, तेरे फर्रे तो चले नहीं। आया बेटा 150% बने हर। भाई रिजल्ट आएगा ना उस दिन देख लेंगे, अब खेल लेते हैं ना कुछ। चलो भाई चलो। चालीस परसेंट? अबे यार जब कैलकुलेट किए थे तब तो 80% थे, 40% कैसे आ गए? यार जब कैलकुलेट करे थे तब तो मेरे 70% थे, 80% कैसे आ गए? चलो ठीक है, अब बाइक मिलेगी, पापा बाइक दिलाएंगे। भाई इसको क्या हो गया, लगता है फेल हो गई। अब तो घर वाले इसकी शादी कर देंगे, बेचारी की तबीयत रो रही है। कोई बात नहीं भाई, इससे मैं शादी कर लूंगा। कर लेगा शादी, एक बार पूछ के देखता हूँ। ओए शीला क्या हुआ, फेल होगी क्या? यार फेल नहीं हुई। तो यार मेरे 99.9% आए हैं और 1% पता नहीं सर ने कहाँ खा लिया। और अगर मम्मी को पता चलेगा ना तो घर वाले मेरी शादी करा देंगे, अब मैं क्या करूं? ये भगवान, भाई ये पागल है क्या, 99.99 नंबर लेके भी रो रही है। भाई इतने में तो 3 लोंडे पास हो जाते हैं। 33.9। भाई मेरे को तो छत से कूद के मर जाना चाहिए यार, और तू भी दीवार में सर दे के मार। सही कह रहा भाई, इसको देख के तो ऐसे ही करना पड़ेगा। भाई देख भाई कितना मायूस लग रहा है, मुझे लग रहा है भाई फेल हो गया, एक बार पूछना यार इससे। सही कह रहा भाई। विनय भाई फेल हो गया क्या? सो मजाक कर रहा होगा भाई, इसकी तो पर्ची भी पकड़ी गई। सही कह रहा भाई, नकली नहीं थी। भाई तेरे 100% नंबर कैसे आए, तेरी तो चीटिंग भी नहीं चली थी। अरे भाई जो मेरी पर्ची पकड़ी गई थी ना, वो तो मैंने जानबूझ के पकड़वाई थी, असली पर्ची तो मेरी जेब में थी। अबे यार ये तो छुपा रुस्तम निकला, ये तो थ्री इडियट का रणछोड़दास निकला बे। अरे बच्चों परेशान क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो? किसी के ज्यादा किसी के कम नंबर, ये तो आते जाते रहते हैं। कम से कम तुम पास तो हो गए, तुम लोग अगली क्लास में हो गए, एंजॉय करो एंजॉय। क्या तू सर सही रहे? अबे हाँ यार ये तो खुशी वाली बात है, हम लोग है ना अगली क्लास में कम से कम फेल तो नहीं हुए, वरना इसी क्लास में बैठना पड़ता। ये भाई कौन सी क्लास में हो गया तुम?
हेलो गाइस, तो कैसी लगी आपको वीडियो फाइनल एग्जाम? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप लोग है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको फाइनल एग्जाम की टेंशन कैसी होती है, अगर होती है तो उसके लिए आप क्या क्या उपाय निकालते हैं, जल्दी से कमेंट करो भाई। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।